23 अगस्त 2018 को गुजरात के वलसाड जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की एक महत्वपूर्ण घोषणा, एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें थी ढेरों चुनौतियां, 45 डिग्री तक ढलान वाली सैकड़ों पहाड़ियां, बहुत सारे पड़ाव और अनगिनत मोड़, लेकिन सभी रुकावटों को पार कर यह प्रोजेक्ट बन गया है भारत का बेहतरीन इंजीनियरिंग मार्वल। वलसाड जिले के धर्मपुर और कपराड़ा, जो साल में 125 इंच बारिश होने के बावजूद पीने के पानी की दृष्टि से देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र थे, गर्मियों में टैंकर से पानी पहुंचाना आम बात बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसे सहन कर लेते कि आदिवासी इलाकों तक सुविधाएं ना पहुंचे, इसीलिए उन्होंने शुरू की एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना। सबसे ऊपर जहां पानी पहुंचने वाला है वह 200 मंजिले मकान की ऊंचाई पर जितना पानी पहुंचाते हैं इतना पानी ऊपर ले जाएंगे, यानी एक प्रकार से नदी 200 मंजिला ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से पानी नीचे लोगों को पहुंचेगा। ये टेक्नोलॉजी का मिरेकल है। मैं समझता हूं ये भी एक अजूबा बन जाएगा कि एक गांव ऊपर 200-300 घरों की बस्ती, लेकिन इनको पानी पहुंचाने के लिए एक संवेदनशील सरकार 200 मंजिला तक पानी को ऊपर ले जाए। हर नागरिक के प्रति हमारी भक्ति कितनी है इसका ये जीता जागता उदाहरण। इस योजना का प्रमुख जल स्रोत बना मधुबन डैम। अपनी तरह की अनोखी परियोजना जो ऊंचाई वाले एक नहीं बहुत से गांवों में पानी पहुंचाने के लिए तैयार हुई और 54 मीटर से पानी उठाकर 614 मीटर यानी कि 1837 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाना शुरू हुआ। इस योजना के तहत कपराड़ा के 124 गांव, धर्मपुर के 50 गांव और 1028 छोटी बस्तियों के 4.5 लाख लोगों तक दैनिक 7.50 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया गया। इस योजना के तहत पानी का सफर कुछ यूं होता है। पानी इंटेक होता है समुद्र से 54 मीटर ऊंचाई से, जो 495 मीटर ऊंचाई वाले निलोसी तक पहुंचता है। निलोसी से रोहियाल जंगल में 122 मीटर पर नीचे उतर के लोगों की प्यास बुझाता है। अब निलोसी से अन्य दिशा में सरवर टाटी में 165 मीटर नीचे आकर साहुडा में 370 मीटर ऊपर चढ़ता है। बिलिया में फिर से 138 मीटर नीचे आकर पिपल सेट तक 479 मीटर ऊपर चढ़ता है। निलोसी से चौशाला में 540 मीटर के शीर्ष को नापकर वावोर के 614 मीटर की ऊंचाई पर रहे शिखर को छूता है। यहां चौशाला से अन्य शाखा पार नदी में 116 मीटर के बेज को स्पर्श करती है, जहां से सिंगरमल में 576 मीटर पहुंचकर पुनः पार नदी के 159.35 मीटर बेज को छूते हुए समरसिंगी में 528 मीटर की बुलंदियों को छूता है। यानी कि ऊपर नीचे जंगल और पर्वत श्रृंखलाओं से 1202 जगहों पर पहुंच रहा पानी मानो रोलर कोस्टर में राइड ले रहा है। इस तरह अनगिनत चुनौतियों को पार कर आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार इस क्षेत्र में नल से जल पहुंचा, घर घर दमन गंगा पहुंची। डबल इंजन की सरकार होने का फायदा क्या होता है, इसका उदाहरण है करीब 590 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई ये परियोजना, जिसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और राज्य सरकार के अमलीकरण की सहभागिता ने इस क्षेत्र के 100% लोगों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प साकार कर दिखाया। आज इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किया है देश को समर्पित। एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना, नामुमकिन हुआ है मुमकिन।